हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर हमारी बन रही है सुबह की गर्मा गर्म अदरक गुड़ वाली चाय। आज की चाय गुड़ वाली है, चीनी वाली नहीं है। तो यहाँ पर हमारी चाय देखिए बन के हो गई है तैयार और मैंने कप में निकाल भी दी है। उसके बाद ही सुबह सुबह बन रहा है यहाँ पे खाना। खाने में देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ सूखी, क्योंकि ले जाने के लिए बनाना है डब्बे के लिए लंच के लिए, तो इसीलिए सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे हींग, जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज डाल के बढ़िया सा तड़का लगाया है। और गोभी को मैंने गर्म पानी में वॉश कर लिया था, क्योंकि गोभी को गर्म पानी में वॉश करने से थोड़ा सही रहता है, क्योंकि गोभी के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, ग्रीन ग्रीन से कीड़े दिखते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली है ले जाने के लिए। तो बस जल्दी से घी लगा देते हैं, क्योंकि रोटियाँ गर्म थी तो थोड़ा फैला के रख दी थी। तो यहाँ पे ये टिफ़िन में लंच हो गया है रेडी, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और रोटी। तो उसके बाद यहाँ पर अभी गैस जो है वॉश करनी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, आज है संतान सप्तमी तो उसका फास्ट होता है। ये सब मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, रात को पूरी किचन साफ़ करी थी। तो ये इसमें बादाम पड़े हैं एक्चुअली कप में, तो इसलिए सीधा रखा है। और यहाँ पर ये सब कुछ फैल गया है तो मैं इसको वॉश करूँगी अभी। और यहाँ पर परात भी मैंने अभी पानी डाल के रख दी है, इतने बर्तन भी हैं धोने के लिए। और गैस ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही खाना बनाया अभी। तो फाइनली ये हो चुका है, पूरा साफ़ हो गया है। और अब मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि सुबह उठ के सीधे खाना ही बनाया था आज। तो अभी नीचे की क्लीनिंग करनी बाकी है। और यहाँ पर सो रही है स्माइली, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो 8 बजे तो स्माइली उठेगी नहीं। स्माइली का तो टाइम होता है 9 बजे तक आराम से उठ सोती है वो। तो आज तो ट्यूशन भी शाम को ही जाना है, अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो इसलिए मैं उसको जगाती नहीं हूँ। अच्छी नींद पूरी कर ले रही है आजकल वो। तो यहाँ पर मैंने इस रूम में सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक कर दी हैं और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस देखिए, आजकल ना धूप एकदम जल्दी निकल आती है, सुबह 6 बजे ही धूप धूप सी निकलने लग जा रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इस टाइम, तो गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय यहाँ पे। तो धूप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम हो रखा हो। सुबह पहले नहीं तो 8 बजे ना ऐसा लगता है जैसे अभी एकदम जस्ट अभी उजाला हुआ हो। तो बरसात में और जब बारिश नहीं होती तो इतना फ़र्क हो जाता है। तो मैंने पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्दे लगा दिए हैं। और यहाँ मेरी लग गई है अभी झाड़ू। आज मैं नहा धोकर आ गई हूँ यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैंने कहा 3-4 दिन हो गए पप्पा को आए हुए, लेकिन मैं आज आई हूँ। तो मैंने ये मोदक का डब्बा मंगवाया था, तो ये येलो वाले मोदक चढ़ा दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ अभी हो रही है आरती और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही ज़्यादा मतलब सब लोग थे और आरती भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण 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 हरे मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे। जो जन्मी है सुहागने करो तुझी सेवा, जो जन्मी है सुहागने करो तुझी सेवा, आले विघ्न दूर करे सजना सेवा। रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा सजना सेवा करा विघ्न वरदार मोरिया। गरम करुणावतारम संसार सारम भुजे द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बापा मुझे न बिसराइयो, गणपति बापा मुझे न बिसराइयो, चाहे लाख लोग मिल जाए हम सब तुमको बोलते हैं तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पोत कपूत है तो ये पिता तो निलाज, सब कुछ दीना आओ सदा के चाहो
सबर के बेर सुदामा के शाह वगैरह सब कुछ हो चुका है। लास्ट में बस घर जा रही थी तो मैंने कहा चलो पप्पा से जो है पप्पा के पैर छू के चलूँ। लास्ट में जा ही रही थी और काफ़ी देर लगता है आरती, मतलब आधे पौने घंटे आरती चलती है, लेकिन ना कुछ आरती जो है ना मराठी में है तो वो मुझे नहीं आती, बिना किताब में देखे मेरे को नहीं आता है, मराठी में लिखी हुई है, मराठी में ही बोलते हैं मतलब। तो यहाँ पर बहुत सारी आरती भी होती हैं, जैसे कि ना गणपति जी की तो होती हैं, साथ में शंकर जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, साथ ही साथ में बहुत सारी आरतियाँ की जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स फोन के कवर का हाल देखिए, इसका अंदर ना पीछे ना ये देखिए ऐसा था मेरे फ़ोन का कवर, तो इसके अंदर कुछ भरा होता है, ये पता नहीं क्या होता है ये, तो वही आज ये सारा निकल रहा है। ये देखो दिख रहा होगा आप लोगों को गीला गीला, और ये मेरे फ़ोन को भी पूरा इसने गीला कर दिया था, मेरा फ़ोन भी पूरा जो है ना इसकी वजह से गीला हो गया था, तो मैंने इस कवर को निकाल लिया है और अभी दूसरा कवर लगाया है फ़ोन में। लेकिन ये कवर से ना मेरा फ़ोन बहुत सेफ था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हार्ड है ना, कैसे भी गिर जाए फ़ोन लेकिन कभी मतलब कोई फ़ोन में दिक्कत नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा ही कवर फिर से मंगवाना पड़ेगा एक, क्योंकि इससे मेरा फ़ोन बहुत सेफ था, काफ़ी अच्छा कवर था ये। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ पूजा के लिए पुए बनाने हैं, और बस वही बनाने जा रही थी, मैंने सोचा कि ब्लॉग तो अपना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से फेस टू फेस नहीं आ पाई हूँ, बात ही नहीं हो पाई है। और ये देखो स्माइली मैडम ये पड़ी है, हाय करो, बहुत ज्यादा खेलने में लगी है आजकल, जब से इसकी छुट्टियां पड़ी है तब से बाहर ही बाहर खेलने में लगी, अभी बुलाया मैंने इसको, क्योंकि इस समय क्या है ना दीवार की हालत तो मत देखो, मत पूरी दीवार है स्माइली ने, पूरे में ए बी सी डी वगैरह नहीं देख पाओ, बस पेंसिल से जहां मर्जी वहां दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे तक पूरा लिखा हुआ है। पुआ बनाऊंगी तभी पूजा होगी, तो बस पुआ बनाने जा रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी कर लूंगी पूजा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहां आरती में चली गई मैं, फिर ज्यादा थोड़ा वहां आरती में थोड़ा टाइम लग गया। अब जा रही हूँ पुए बनाने के लिए, तो ये मैंने नया पैकेट खोला है अभी आटे का, तो यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ पुए। पुए के लिए मैंने थोड़ा गुड़ लिया है, गर्म पानी करा है थोड़ा सा, और गुड़ डाल दिया है ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा गुड़, और अभी थोड़ा सा ना और पकाना पड़ेगा क्योंकि गुड़ काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझे आटा चाहिए था उतना ले लिया है, थोड़ी सी चीनी भी मिला दी है क्योंकि गुड़ घोलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, और फिर थोड़ा सा चीनी मिलाने से सही रहता, थोड़ा मीठा अच्छा हो जाता है, तो चीनी भी मिला दी है, तो थोड़ा मैंने और गर्म कर लिया है, देखिए साइड में रखा है, और थोड़ी सी एक इलायची भी डाल दी है, ये ऑप्शनल है, कुछ लोग बिना कुछ डाले ये ऐसे भी बना लेते हैं, तो मेरा भी मन होता है जब कभी ऐसे बनाना होता है, तो गरी भी डाल दिए मैंने इस बार, लेकिन बेलने में बड़ी दिक्कत हुई गरी डाल के, थोड़ी बड़ी बड़ी कट गई है, या फिर घिस के डालो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैंने गरी भी डाल दी है, इसमें इलायची डाल दी है, और थोड़ा सा ना यहाँ पे घी डाल दूँ, थोड़ा सा खुशबू और स्वाद अच्छा आ जाता है, देसी घी है गाँव का, अभी लेकर आए हैं पापा जी, तो ये बोतल में ही था, तो मैंने थोड़ा सा डाल लिया है इसमें, और उसके बाद अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाते टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना देसी घी की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी गुड़ और घी वगैरह की। तो यहाँ पर ये पुए हमारे जो है ना मैं बेलती जा रही हूँ, देखिए कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा फट रहे हैं, लेकिन वो आटा भी थोड़ा सा ना इसका टाइट सा जो है डो बना है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर और फिर गरीब भी पड़ी है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा फट फट रहा है वो। तो फिलहाल हमारे पुए जो है बनके हो रहे हैं तैयार, तो इसमें ना 7 पुए जो हैं वो बनाए जाते हैं खुद के खाने के लिए, और 7 पुए बनाए जाते हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। तो बस सब कुछ हो गया है, पुए वगैरह मेरे बन गए हैं, मैंने यहाँ पे सारा सामान रख लिया है, और यहाँ पे अभी पोछा भी लगाया था, और उसके बाद ये पटला भी धो के रखा है, क्योंकि क्या होता है ना वीडियो भी बनाना है, ट्राईपोर्ड पर फ़ोन लगा दो, फिर बार बार उठो बंद करो, और फिर पूजा की भी तैयारी करो, तो काफ़ी मतलब वो हो जाता है, इसलिए मैंने सब कुछ नीचे रख लिया है कि मुझे उठना ना पड़े, बस ट्राईपोर्ड पर फ़ोन लगाया है, और उसके बाद सब अभी धीरे धीरे सारी तैयारी यहाँ पे कर लेती हूँ। और आज की जो पूजा होती है ना संतान सप्तमी की, इसमें शंकर पार्वती जी की विशेष करके मतलब पूजा की जाती है, लेकिन शंकर पार्वती जी की जो पूरी फ़ोटो होती ना वो मेरे पास नहीं है, मुझे लेना है, और जो शंकर जी की सिंगल एक फ़ोटो थी ना वो भी टूट गई है, अभी कुछ दिन पहले ही गिर गई थी वो, तो टूट गई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शंकर जी की जो अन्नपूर्णा माता जी के साथ फ़ोटो
है वो लगा दी है। और मेरे पास एक किताब है संतान सप्तमी की, उसमें पूरी फैमिली की फ़ोटो है, शंकर जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, सबकी है उसमें, पूरी फुल फैमिली फ़ोटो है। तो मैं वो रखूँगी फ़िलहाल पूजा के लिए, उसमें से कथा भी पढ़ लूँगी और वो उसकी पूजा भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फूल मंगवाए थे, फूल भी चढ़ा दिए हैं और जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। और हर बार ना क्या होता है ना, चांदी की चूड़ी भूल जाते हैं, लेकिन गांव में रखी है हम लोगों की बनी हुई चूड़ी, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता है। अभी पापा जी भी आए हैं 2-4 दिन पहले ही गांव से, लेकिन चूड़ी मंगवाना भूल गई हूँ। इसमें चांदी की चूड़ी होती है ना जो बनवाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। अगर नहीं होती है तो सफ़ेद धागे से बना लेते हैं 7 गांठे लगा के, तो मैंने वही किया है। इस बार भी 7 गांठ लगा ली हैं सफ़ेद धागे में और उसकी पूजा करेंगे पुए के ऊपर रख के। तो ये देखो मैंने रख दिए हैं 7 पुए अपने खाने वाले जो हैं वो भी मंदिर में रखे, और 7 पुए चढ़ाने वाले, फल भी रख दिए हैं, दीपक जला दिया है। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कथा। तो कथा के लिए मैंने यहाँ पे स्माइली को भी चावल दे दिए, क्योंकि ये भी बैठ गई थी आके इधर, गर्मी में बैठी है और इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बालकनी में शीशे बंद करें क्योंकि हवा आएगी तो और ज़्यादा उमस हो रही है गर्मी। तो यहाँ पर अभी मैं शुरू कर दी है मैंने कथा, और काफ़ी देर तक कथा है, काफ़ी लंबी चौड़ी है ये वाली कथा। ओम जय शिव। तो फ्रेंड्स आरती वारती सब हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे अपना जो है ना व्रत खोल रही हूँ। तो इसमें क्या है ना, पूजा करने के बाद ना हमें जो है पुए खाने होते हैं, और वो आप ना चाहे 2 बार में ख़त्म करो चाहे कैसे भी, मतलब 7 पुए आपको खाने होते हैं, वो आपके ऊपर है। आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं अगर नहीं खबरे हैं तो, लेकिन खुद को ही खाने होते हैं ये पुए। तो मैंने 7 पुए बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, उतने बनाए हैं कि जितने मैं खा सकूँ, क्योंकि मीठा मीठा होता है ना फिर खपता भी नहीं है। तो थोड़ा सा दही लिया है साथ में खाने के लिए, इसको दूध से नहीं खाते हैं, दही वगैरह ले सकते हैं खाने के लिए। तो पुए और दही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग देखा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।